हमारे एक सेकेंड ये बैंड की आवाज है बारात की. हो सकता है कि ऐसा हो कि इस वक्त ओमी भैया के पास से कोई बारात जा रही हो या फिर ओमी भैया किसी बारात के बीच में हो. भाभी अगर हमें ये पता चल जाए कि ये बारात किसकी है तो शायद हमें कोई गवाह मिल जाए, किसी ने कुछ देखा हो. काव्या शादियों का वक्त था वो, एक दिन में कई कई शादियां होती हैं, कैसे पता लगाओगी कि बारात किसकी थी. भाभी हमें बहुत महीनों बाद एक सुराग मिला है और हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है. हम पता लगाएंगे. सॉरी संजीव, तुम्हें ऐसे अचानक बुलाया. हाय मामा. हाय पापा. कोई बात नहीं, बताओ. बहुत जरूरी बात थी, हमने इसलिए बुलाया था तुम्हें. बता क्या. वो एक्चुअली मम्मी. अरे दीदी कहाँ था. हाय भैया, ये लो. क्या बधाई हो. मीठा खाओ. किस लिए. पापा. अरे किस बात की मिठाई भाई. आपके बेटे और उसके दोस्त को नई फैक्ट्री के लिए जगह मिल गई है. अभी सौदा पक्का करके आ रहे हैं. अच्छा लो ना. बहुत बहुत बधाई हो, ऐसी तरक्की करो तुम दोनों. थैंक यू आंटी जी. बधाई हो यंग और तुम्हारे मित्र को भी. थैंक यू. दीदी को शायद विश्वास नहीं हो रहा कि उनका निकट्टू भाई सभी कुछ कर सकता है. नहीं ऐसी बात नहीं, हम बहुत खुश हैं. वेरी गुड. पर ये फैक्ट्री के लिए पैसे कौन दे रहा है. दी वो एक दोस्त का दोस्त है. तो इस दोस्त के दोस्त का कोई नाम भी होगा. समीर. समीर शुक्ला. अच्छा खैर. हाँ. देखो मैं हम जानते हैं कि तुम बड़े हो गए और तुम्हें लेक्चर नहीं सुनना है पर तुमने कभी बिजनेस किया नहीं, बहुत रिस्की है. तो किसी भी पेपर पे साइन करो बहुत सोच समझ के, अच्छे से पढ़ के और बिल्कुल ध्यान से, समझे. ओके दीदी. अब मैं चलता हूँ. नमस्ते आंटी. बाय. आते रहना. मैं छोड़ के आता हूँ उसे. हाँ भाई तूने अंदर नाम झूठ क्यों बोला बे. क्योंकि अनुराग प्रधान है और दीदी की अभी थोड़ी जंग चल रही है प्रधान के साथ. यार लेकिन अनुराग तो हमारी मदद कर रहा है ना. छोड़ना यार, हमें तो पता ना बढ़िया बंदा है वो. फंडिंग आ रही है तो घर वालों को नाम पता है या नहीं पता क्या फर्क पड़ता है उससे. काव्या देखो ये लखनऊ का नक्शा है और पुलिस में एक मेरा अच्छा दोस्त है, उसने बताया है कि ये वो स्पॉट है जहाँ पे ओमी की गाड़ी मिली थी. एक सेकेंड. भमलपुर का इलाका है. पापा मम्मा आपको याद है ना भमलपुर, हमारी ट्रेनिंग पोस्टिंग वहीं पे हुई थी. वहाँ के लोग हमें अच्छे से जानते हैं, अगर हम वहाँ खुद जाएंगे तो शायद हम कुछ पता कर सके. बोरा गई होगा, बिल पे छुट्टी हो, जिला का सीमा पार नहीं कर सकते तुम. पर अगर हम परमिशन ले लें तो. परमिशन नहीं मिलेगी काव्या, आदि का लॉयर तुम्हारा अर्जी कैंसिल कर देगा. पर अगर ऐसा हो कि हमारी अर्जी गिरिराज प्रधान और अधिराज प्रधान की तरफ से आए तो. मगर ये तुम उसे करवाओगी कैसे. आदि बेटा इस महीने तुम्हें जिन जिन इलाकों में जाना है ना उस सब की लिस्ट हमने तैयार करवा दी है. बारामकी, मलियाबाद, भमलपुर. भमलपुर तो वही है ना पापा जी, जहाँ काव्या थी. बड़े झंडे गाड़े थे ना उसने, है ना आदि भैया. उसका हमारे इलेक्शन कैंप से क्या लेना देना. लेने देना क्यों नहीं है बेटा, अगर नींव बनी हुई हो ना तो इमारत बनाने में आसानी होती है. और अगर भमलपुर में अगर तुम्हारे झंडे गड़ गए तो समझ लो सब जगह पर आसानी से सारा काम हो जाएगा. पापा अपना कैंपेन अपने हिसाब से चला लेंगे, हमें किसी और की जरूरत नहीं है. बात मानो हमारी, काव्या को अपने साथ ले जाओ और भमलपुर में अच्छी तरह से कैंपेनिंग शुरू करो.
फायदा होगा। काव्या बेटा, मेरा खाना नहीं खाओगे तुम? नहीं पापा जी, वो थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। कुछ काम था क्या? बेटा तो काम ही काम है। वो भामलपुर में आदि का कैंपेन शुरू हो रहा है ना, तो वहाँ तुमको साथ में जाना होगा। ओह आई एम सॉरी पापा जी, पर हम नहीं जा पाएंगे। क्या बात है, ग्रेट माता, फाइनल। क्यों नहीं जाओगे बेटा? देखिए हम जाना चाहते हैं, पर हम बेल पे बाहर हैं ना, तो हम जिला सीमा पार नहीं कर सकते। और हमें बताया गया कि अगर हम अर्जी डालेंगे भी तो आपका वकील वो चेक करवा देगा। देखो काव्या बिटिया, तुम्हें परमिशन हम दिलाएंगे वहां जाने की, उसकी चिंता मत करो। तुम आदि के साथ जाओ और अच्छी तरह से वहां कैंपेनिंग करो। फिर तो हम जरूर जाएंगे। हमारे पति के भविष्य का सवाल है तो हम साथ क्यों नहीं देंगे। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। पुराना माने तो एक बात पूछे, आप ढूंढ क्या रही हैं? जी एक्चुअली हमें जानकारी मिली है कि एक्सीडेंट से कुछ देर पहले ओमराज प्रधान इसी इलाके में थे और करीब 7:15 बजे उनके पास से एक बारात गुजरी थी। तो क्या कोई तरीका है पता लगाने का कि वो बारात किसकी थी? जी मैडम साहब, अपने इलाके में ट्रैफिक के संचालन के लिए होने वाले हर शादी समारोह की लिस्ट हमारे पास होती ही है। कार्यक्रम खत्म होते ही सब निकल जाएंगे, उससे पहले हमें ऑडियंस से बात करनी। अम्मा हम ना कहते थे, हमारे आदि में सारे अच्छे नेताओं के गुण हैं। हाँ वो ठीक है, हमें लग रहा थोड़ी जल्दी कर रहे हो तुम। अभी मंच के लिए तैयार रहे आदि। ना मना, मंच की शान बनेगा हमारा आदि। भामलपुर की जनता काव्या और आदि को पसंद करती है। देखना आने वाले चुनाव है ना, एमएलए का टिकट आदि को ही मिलेगा, पक्का कह रहा हूँ। सर गांव वाले आते होंगे। गुड, पेट में चलते हैं फिर। सब चेक किया, कोई दिक्कत तो नहीं है? रीजा साहब सेंसर वाला बम लगा रखा है, जैसे ही साहब कुर्सी पर बैठेंगे सेंसर चालू हो जाएगा। फिर साहब उठेंगे बम, और नहीं उठे तो? नहीं उठे तो 5 मिनट का टाइमर लगा रखा है, 5 मिनट बाद बॉम बॉम। और अगर नहीं हुआ तो हम तुम्हारा बॉम कर देंगे। नहीं साहब, बॉम होगा। हाँ वो आपकी फोटो है? जी मैडम सर, कानपुर बॉम स्क्वाड में थे हम, बहुत से बमों को फूटने से पहले डिफ्यूज किया है हमने। ये तार, ये मैडम बॉम्ब में इसी तरह का तार यूज होता है, और ये वाला बॉम्ब बहुत ही खतरनाक था, और अगर हम सही समय पर सही वायर ना काटते तो बहुत से लोगों की जान चली जाती। तो हेलो, याद आ गया भाभी जी। क्या आ गया? अम्मा जी ने कुछ बोला था, याद आ गया भाभी जी। बताओ। उन्होंने बोला था कि कितनी कोशिश की है कि ओमी की तरह आदि का भी सफाया कर दे। शिवरात्रि को भी चिराई किया, आज भी चिराई किया, बच गया। क्या केस नहीं? मैम कुर्सी गिरा दी। तू क्या हो गया, फिर उठा देगा? मैम क्या है कि ये कुछ खास कुर्सी है, मंच में लगेगी आदि सर जी के लिए। बॉम में इसी तरह का तार यूज होता है। इंस्पेक्टर साहब हमें बॉम्ब स्क्वाड चाहिए। क्या हुआ मैडम साहब? रैली में बॉम्ब है, हमें तुरंत बॉम्ब स्क्वाड चाहिए। लेकिन मैम गांव में इतनी जल्दी, और हमारे पास ऑर्डर्स भी नहीं है। हम ऑर्डर का इंतजार नहीं कर सकते, आपको भरोसा है हम पे? जी जी,
तो चलिए हमारे साथ, नहीं तो किसी की जान चली जाएगी। चलिए आइए। जी जी। हादी फोन उठाओ प्लीज प्लीज प्लीज। ड्राइवर जल्दी चलो। चलिए चलिए जल्दी चलिए। एग्जैक्टली वैसे ही ताड़ ताड़ कर तो लेंगे ना। मैं कर तो लूंगा, पर अगर टाइमर शुरू हो गया फिर थोड़ी दिक्कत होगी। हादी प्लीज प्लीज बॉम से दूर रहना प्लीज। आई क्या है काव्या, क्यों बार बार कॉल कर रही हो तुम? आदि आदि बॉम्ब में वहां से निकलो, वहां से सबको निकालो। काव्या तुम सटा पिया रावा की बिना तुमसे रहा नहीं जाता क्या? खुद टाइम पर नहीं पहुंच पाए तो अभी सब कहानियां बनाओगी तुम? नहीं 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 आदि प्लीज हमारी बात मानो, वहां पे बॉम्ब है, हमने देखा है, कुर्सी के नीचे तार देखा हमने। प्लीज काव्या प्लीज स्टॉप इट। हमारी टीम ने पूरा एरिया स्कैन किया, उन्हें बॉम्ब नहीं दिखेगा। हादी आई ट्रस्ट माय टीम, अब दोबारा फोन मत करना। हादी भैया जल्दी चलिए। हम कह रहे हैं आओ ना वहां बैठ के आराम से देखेंगे। काहे? कभी कभी क्या होता है ना अम्मा, कुछ चीजें दूर से देखने में ज्यादा अच्छी लगती हैं। क्या कर दिए तो? ऐसा है अम्मा, जिसकी टोपी उसके सर, हमारा हक है वो, तो उसको कैसे मिल सकता है? तो क्या, बस जो हमको समझ में आया हम कर दिए। कहाँ कर दिए अम्मा? थोड़ा देर और इंतजार करो, देखो खुद ब खुद एक शोर सुनाई देगा। हादी प्लीज उस कुर्सी पर मत बैठना प्लीज प्लीज। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.